आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति। लगातार चल रहे आप और बीजेपी के करप्शन वार के बीच आपको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल खूब दहाड़े और बीजेपी को भी जमकर सुनाया। दरअसल आपको बता दें कि कल सीबीआई ने कथित शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल की, मनीष सिसोदिया का नाम जिसमें नहीं है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर खूब बरसे। वहीं उनका ये भी कहना है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए कि सीबीआई ईडी के 800 अधिकारियों ने 24 घंटे काम किया और करीब 500 जगहों पर रेड मारी, लेकिन उनको रत्ती भर भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर, गांव, बैंक हर जगह छापे मारे गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब कह रहे हैं जांच जारी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी तो जीवन भर हमारी जांच करवाते रहेंगे। मेरे सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी खुद मामले को देख रहे हैं, वो एजेंसियों के निर्देशक से बात करते थे, तो हमें प्रधानमंत्री से सर्टिफिकेट मिल गया है। आज मैं ठोक कर कहता हूँ कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इन एजेंसीज ने रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेके आओ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है। कल की चार्जशीट से यह साबित हो गया कि इनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। चुनाव के एक हफ्ता रह गया एमसीडी चुनाव का, अगर उन्हें इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उछालते जब कुछ नहीं होता तभी इतना उछालते हैं। इसका मतलब उनको रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।